अस्सलाम वालेकुम जान भगवान देखने वालों को मेरा सलाम। आप कैसे हैं आप सब? आप आपको मैं पुराने अचार को रिफ़्रेश करने का तरीका बताऊंगी। पुराना अचार आपके घर में पड़ा हो तो आप उसको किस तरह नया बना सकते हैं। ये देखें, सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, आधा किलो सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैंने दरमियान से इस तरह लंबाई में सबको काट लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ आप अगर आपके पास लेमन है आप वो डालना चाहते हैं तो साथ में लेमन भी आधा किलो आप ले सकते हैं। हल्दी है मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, लेवल एक खाने का चम्मच। नमक लेंगे भर के एक खाने का चम्मच, ये देखें बिस्मिल्लाह। नमक थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाह। इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको इस तरह मैं स्ट्रेनर में डाल दूंगी, छलनी में, कोई भी आप ले लें, ताकि जो इसका जो पानी है वो नीचे से निकलता रहे, ताकि मिर्चें जो हमारी हैं वो बिल्कुल गलेंगी नहीं। इसको हम यहीं पे 2 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी, ज़्यादा टाइम आप रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। 2 घंटे के लिए बस, थोड़ी देर के लिए आप इसमें से थोड़ी देर बाद आके इस तरह इसको आप मिक्स कर दें, 2 घंटे में एक दफ़ा। 2 घंटे हो गए हैं मिर्चों को नमक और हल्दी लगाए हुए, और ये देखें स्टेनर में मैंने इसलिए रखा था ताकि नीचे से जो पानी है वो ये देखें निकलता रहे और टाइम हमारा बच जाए। ये बिल्कुल अब पानी जो इसमें मिर्चों में नहीं है, पानी नीचे रिमूव होता रहे। इसके साथ ही ये मेरे पास पुराना अचार है, ये देखें ये मसाला बचा हुआ है, तेल भी है। अब मेरे पास जो पिछले साल का ये अचार है इसमें तेल नहीं है। अगर आपके पास तेल है तो आपको और तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तेल नहीं है तो मैं इसमें और तेल शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिर्चें सारी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसी तरह आप लेमन भी इसके साथ डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें अचार का तेल डाल देंगे, सरसों का तेल इसको कहते हैं, अचारी तेल भी बोलते हैं। कहीं से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके अचार में पहले से तेल है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, तेल की कोई मेजरमेंट नहीं है। जब आपका तेल अचार के अंदर अच्छे से डिप हो जाए तो समझे अचार आपका जो है वो रेडी है, बिल्कुल तेल परफेक्ट है। और तेल आप कोशिश करें कि हमेशा अचार के ऊपर लेयर इसकी रहनी चाहिए, ताकि अचार जो आपका है वो ख़राब ना हो। ज़्यादा तेल होगा अचार के अंदर तो आपका जो अचार है वो कभी ख़राब नहीं होगा, वो आपका 2-3 साल आराम से अचार जो है वो निकाल जाता है। ये जो पहले पिछला मसाला पड़ा होता है पुराने अचार का, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसको इस तरह ज़ाया मत किया करें। अचार बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अगर आपने ताज़ा अचार तेल डाला जिस तरह अभी मैंने डाला, तो इसको 2-3 दिन के लिए आप रख दें। अगर आपके तेल पहले वाले अचार में है तो उसको आप फौरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप बनाएं, अपने पुराने अचार को ज़ाया मत करें, उसको यूज़ में लाएं और अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।